650 चलाने के बाद 400 पे क्यों आ रहे हो? दिमाग खराब कर देता है, अभी ठोक देते हैं स्कूटी वाले को। तो इसलिए मैं ले रहा हूँ अपना जो ट्रैम्प 400X है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइज, सबसे पहले तो ये बताओ, कुछ चेंजेस समझ आ रहा है? जो लोग ध्यान से देखते होंगे उनको ज़रूर समझ आ रहा होगा। तो जो चीज़ मैं बता रहा था आपको लास्ट वीडियो में कि US से एक नया चीज़ आ रहा है मेरे लिए, तो फाइनली वो आ चुका है मेरे पास। एंड आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों का समझ आ गया होगा, और जिनको समझ नहीं आया है मैं बता देता हूँ। सो फाइनली आई गॉट माई न्यू GoPro Hero 9, एंड आई होप कि जो भी पहले के वीडियोस में जो जैसे फुटेज आ रहा होगा अभी उससे थोड़ा बेटर आ रहा होगा। और मैं यार पूरा कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से इसको इम्प्रूव करने की, वीडियो क्वालिटीज़ एंड ऑल। आपको, आप लोगों को पता है कि मैं भी सब सीख ही रहा हूँ यार। तो जब कोई सीख के करते हो ना, थोड़ा बहुत उसमें मतलब कम ज़्यादा हो जाता है यार, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। और आई होप कि मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करता जाऊँगा, और धीरे धीरे जो वीडियो क्वालिटीज़ है, फ़ोटोज़ है, वो और बेहतर होता जाएगा। सो लेट्स सी, बट आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग यार अगर वीडियो देख रहे हो ना, तो एक कमेंट ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि पता है क्या होता है, जो YouTube का जो एल्गोरिथम है ना, वो ऐसे ही काम करता है। आप लोग अगर अच्छे से अच्छा अच्छा कोई कमेंट लिखते हो, या फिर कुछ भी अगर आप कमेंट्स करते हो ना, तो वीडियोज़ के रीच बढ़ता है। या ब्रो, ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल, क्या यार। तो हाँ यार, जो मैं बोल रहा था, तो अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हो, अगर आपको कहीं से भी देख रहे हो ना, एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, या फिर आप समझ सकते हो कि जो अपना चैनल है ना, इसको भी ग्रो होने के लिए बहुत हेल्प होता है। तो आप दिन के जिस टाइम भी देख रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, कुछ भी यार लिख दिया करो। एंड आई होप कि ये जो हीरो 9 से मैं शूट कर रहा हूँ, अच्छा आ रहा होगा इसका क्वालिटी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम इससे व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मतलब मुझे अभी पता भी नहीं है कि कैसा आ रहा होगा पिक्चर क्वालिटी एंड ऑल। एंड हो सकता है कि इसका जो वाइड एंगल है वो भी सही ना हो, अभी पता नहीं, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता कैसा आ रहा होगा फुटेज। तो अभी जब मैं जाके एडिट करने बैठूंगा तभी पता लगेगा। और ये जैगुआर देखो यार। बाकी यार बहुत दिन बाद GT में वापस आया मैं, तो अलग एक्साइटमेंट है चलाने का इसको, बहुत दिन से नहीं चलाया था भाई। और बैंगलोर में ना मतलब मस्त बारिश हो रही थी, 2-3 दिन से बहुत तेज़ बारिश थी। तो ऑफिस भी, मतलब जब भी ऑफिस जाओ ना उसी टाइम बारिश होता है, जब ऑफिस से वापस है उसी टाइम बारिश होता है, एक राउंड सुबह को एक राउंड शाम को, ऐसे ही चल रहा था। तो मौका ही नहीं मिल रही थी बाइक चलाने की, क्या कर सकते बताओ। तो यार जैसे मैं बता रहा था यार, अगर जिस टाइम भी दिन का देख रहे हो ना, एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो, मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी, और मोटिवेशन में मिलता है यार आगे वीडियो बनाने में। तो अभी मैं आप लोगों को ना ये बताता हूँ कि मतलब मैंने ये क्यों लिया एकदम से जो हीरो 9 है। तो यार जो मेरा पहला जो सेटअप था ना, पहला जो GoPro था, मैंने एक बहुत पुराने वीडियो में एक बताया था कि वो था GoPro Hero 5 का एक सीज़न करके आता था, ठीक है, तो वो वाला था। उसमें क्या होता है ना, वो एक कॉम्पैक्ट सा मतलब छोटा सा GoPro है। मैं अगर मौका मिला किसी आगे किसी वीडियोस में दिखा दूंगा वो कैसा होता था। तो अभी क्या हुआ था ना, उसका जो प्रोडक्शन है, GoPro ने उसका प्रोडक्शन कर दी थी बंद, अब उसका कोई सपोर्ट नहीं थी। तो उसका बैटरी भी बहुत ख़राब हो गया था, बहुत पुराना था वो यार, मतलब 9-10 साल पुराना होगा। तो उसकी जो बैटरी थी ना वो एकदम डेड हो गई थी, तो मैं कोई भी वीडियो ज़्यादा देर तक शूट कर नहीं पाता था, मतलब उसके लिए मुझे बहुत वेट करना पड़ता था, मतलब मुश्किल हो जाती थी, आधे घंटे से ज़्यादा वो चलता ही नहीं था। तो इसलिए मुझे लेना ही था। बस मैं एक वेट कर रहा था कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीख जाऊँ, थोड़ा व्लॉगिंग का प्रैक्टिस भी हो जाए, उसके बाद मैं ले लूँ, इसके लिए मैं वेट कर रहा था। तो यार लास्ट कुछ वीडियोस है ना, जब से लोगों को पता चला है ना कि मैं स्ट्रैम्बलर 400 बुक कर चुका हूँ, भाई लोगों के मन में इतने सवाल है, इतने कमेंट्स आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग कि भाई तुम्हारे पास एक GT है तो क्यों ले रहे हो,
क्या ज़रूरत है 650 चलाने के बाद 400 पे क्यों आ रहे हो। तो आज मैं ना आप लोगों को समझाता हूँ मैं ये क्यों कर रहा हूँ। पहला चीज़ ये है कि भाई हर एक मिशन डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हर एक सेगमेंट के जो बाइक है ना उसका अलग अलग स्पेक्स है, अलग अलग काम के लिए उसको बनाया गया है। तो पहला थिंग तो ये कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ GT के साथ अपना स्क्रैम्बलर की, ये कंपेयर करना भी बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो मैं वो कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहा। नॉट ओनली GT, RE को भी टक्कर देना इंडियन मार्केट में बहुत मुश्किल है, ये तो पहला चीज़ ये मानना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि रॉयल एनफील्ड जो है ना ये कोई बाइक नहीं बेचता भाई, ये एक इमोशंस है, तो इमोशन बेचता है। मतलब जिनको प्यार है ना ये लेगा ही, आप चाहे कुछ भी कर लो। एंड आप अगर सिर्फ GT की बात करोगे यार, देखो ये एक 650 CC, फर्स्ट थिंग इज दैट कि ट्विन सिलेंडर इंजन है और अपना जो स्क्रैम्बलर है वो है सिंगल सिलेंडर, राइट। तो ये कंपैरिजन में तो बिल्कुल भी नहीं आता है, और इसका पावर भी बहुत ज़्यादा है उससे, टॉर्क भी बहुत ज़्यादा है उससे। और सिर्फ अगर मैं मतलब क्या बोलूँ, GT की जो स्पेशलिटी है ना वो है इसका इंजन और इसका लुक, और ये जिस चीज़ के लिए बनाया गया है यार, ये कैफे रेसर बाइक है, ठीक है। तो एक कैफे रेसर के साथ आप एक स्क्रैम्बलर की कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग पर्पस के लिए बनाया गया है। और इसका जो वो चीज़ है कि भाई इसका जो लुक है, इसका जो इंजन है, और ये जो स्मूथली चलती है, आप जब इसको हाईवे पे लेके जाते हो ना और ये जो स्मूथली क्रूज़ करती है, इसको भाई नहीं बीट कर सकते। और इसका जो राइडिंग स्टांस है, ये जो पोस्चर है ना भाई, बहुत प्यारा है, ठीक है। और एक 650 CC का इंजन जब आप चलाते हो ना, आपको उसका जो रिफाइनमेंट है, उसका स्मूथनेस है, वो चीज़ें समझ आती है। वो जिन्होंने चलाया होगा ना कोई बिग बाइक, वो लोग एग्री करेंगे मेरे साथ। मतलब ये एक अलग ही, मतलब क्या बोलूँ, मज़ा देता है आपको ये चलाने में, है ना। देख रहे हो क्या क्या चलाते ऑटो वाले, भी हो कहीं से भी हो कैसे भी घुसा देगा, मतलब क्या यार, दिमाग ख़राब कर देता है, अभी ठोक देते हैं स्कूटी वाले को। हाँ तो मैं ना अब आपको ये बताता हूँ कि मैं क्यों ले रहा हूँ जो है अपना 400X, ठीक है। तो सीन ये है कि मुझे ना लॉन्ग टूर करना है, ठीक है। और ये जो GT है ये भाई लॉन्ग टूरिंग के लिए बनी नहीं है, तो इसको आप उसके लिए ख़राब नहीं बोल सकते, ठीक है। इसका जो काम है वो अलग ही है, ये लॉन्ग टूर के लिए आप नहीं ले सकते। अब आप बोलोगे कि भाई मैं तो कर रखा हूँ, बहुत लोग करते हैं, एब्सोल्युटली यस, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग हैं जो स्पोर्ट्स बाइक पे लॉन्ग टूर करते हैं यार। बट एक चीज़ होता है ना कि करना, और एक है कि भाई आप कंफर्टेबली कर रहे हो कि जिस चीज़ के लिए बना है आप वो मशीन लेके जा रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है। बट इसमें आप करोगे तो क्या होगा, आप कर तो सकते हो, कोई भी कर सकता है, बट उसमें क्या होगा, आपको फटीग होगी, है ना, आपको लगेज लेने में दिक्कत हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चक्कर में मैंने सोचा कि यार मुझे कोई ऐसा बाइक चाहिए जिसको मैं डुअल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकूँ, जिसको मैं मतलब सिटी राइड भी कर सकूँ, लॉन्ग टूर पर भी ले कर जा सकूँ, या फिर ऐसा कोई टेरेन मिल गया जहाँ पर क्या बोलते हैं ऑफ रोडिंग है, तो वहाँ पर मैं ऑफ रोडिंग भी कर सकूँ। तो इसलिए मैं ले रहा हूँ अपना जो ट्रैम 400X है। एक तो ट्रैम की जो क्वालिटी है उस पर कोई बात नहीं हो सकती, ये लोग टॉप नॉच क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, वो भी है। और उसका इंजन भी बहुत प्यारा है। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई डोमिनर 400 का सेम इंजन है, बट बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। जो डोमिनर है वो टोटली डिफरेंट इंजन है, ये जो इंजन है ये पर्टिकुलरली इसी बाइक के लिए बनाया गया है, टोटली डिफरेंट इंजन है। आप अगर किसी वीडियो में अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये 400 का जो चेन स्प्रॉकेट है ये राइट साइड में है, ठीक है। और डोमिनर या फिर बाकी आप नॉर्मल कोई सा भी बाइक देखो, उसका लेफ्ट में होता है नॉर्मली, राइट। तो इससे भी आपको समझ आ रहा होगा कि भाई ये डोमिनर की इंजन तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट इंजन है, पूरा डिफरेंट इंजन है। और मेरे पास एक स्क्रैम्बलर हो जाएगा, तो मैं कभी कभी ऑफ रोडिंग पर जा सकता हूँ,
मान लो अगर लद्दाख ट्रिप करना हो या फिर पहाड़ी में कोई ट्रिप करना हो, उस टाइम भी हेल्प हो जाता है बहुत। एंड एक और बात जो मैं कंसिडर किया वो ये है कि देखो ये जो GT है ना, ये चलाने के लिए तो बहुत अच्छी बाइक है, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। बट अगर आप पिलियन के साथ जा रहे हो ना, तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। पिलियन सीट जो है बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है वो, ठीक है। तो आपको, आप अगर कोई सा भी सीट लगा लो यार, आफ्टर मार्केट ले लो। अभी एनफील्ड ने एक सीट निकाला भी है जो अपना क्या बोलते हैं उसको, डिलक्स टूरिंग सीट आई गेस। तो अगर आप वो भी ले लो तो ये हेल्प नहीं करता है। मतलब लॉन्ग टूर के लिए आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते, मतलब है ना। तो बेसिकली मैं इसी चीज़ के लिए ले रहा हूँ स्क्रैम्बलर 400 जो है, क्योंकि मुझे पिलियन के साथ भी गाइड करना पड़ सकता है ना। तो दोनों कंफर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो पिलियन है अगर वो कंफर्टेबली नहीं जा पा रहा है ना, तो आप लोग ज़्यादा लॉन्ग टूर नहीं कर सकते। मतलब एक स्टेज में लेट्स से 200-300 किलोमीटर क्लॉक नहीं कर सकते आप, अगर किसी को परेशानी हो रही है बाइक में बैठने के लिए भी, है ना। तो वो सब भी एक चीज़ है, इसीलिए मैं मेनली कंसीडर किया अपना जो 400X है। बाकी अभी तो आना देरी है यार, अक्टूबर में आएगी, तो आगे आगे आप लोगों को सब पता चलता ही रहेगा। सो गाइस, दिस वाज द मेन रीज़न जो कि मैं ले रहा हूँ अपना जो स्पीड 400 है, सॉरी स्क्रैम्बलर 400 है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और मैं समझा पाया हूँगा आप लोगों को कि क्यों मैं ऐसा डिसीजन लिया, मतलब है ना। तो मैं सोचा कि आप लोगों को इतना डाउट्स था तो एक बार क्लियर कर देता हूँ कि मैं क्यों ले रहा हूँ अपना जो ट्रायम्फ है GT 650 चलाने के बाद भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और एक कमेंट में ज़रूर बताना ये जो नया अपना GoPro Hero 9 है वो कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट जो है ना बहुत मायने रखता है यार। तो प्लीज़ एक कमेंट कर दो और जुड़े रहो मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। आगे आगे मैं जैसे ही टाइम का डिलीवरी रिलेटेड कुछ भी अपडेट आएगा मैं अपडेट देता रहूँगा। तो ओके, इसी नोट पे इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ़।